दिया था, भले नहीं मिला तो वो है ना अपना क्या। झाबुआ जिले के ग्राम मोरीपाड़ा में बिजली की समस्या होने के कारण यहाँ की खेती में काफी प्रभावित हुई है। हाँ तो इना सनान पानी फिर बाहर केरनो पानी नहीं मिल रही तुम्हें? पानी एक महीना थई गयो। ते तेरने फिर खाने पानी फेरी ना? खाने फेरी कोई नहीं, एक पानी फेरे लो हुकी गया या। हाँ ते बिजली काफी कितना मतलब दन थाई रहा? एक महीना थाई रहो। तो बिल बिल कंप्लीट भरे लो से? कंप्लीट भरे लो, 8,000 रुपया चार बारी काफी। यहाँ के ग्राम मोरीपाड़ा में 25 घर है जिसमें कि 60 परिवार से अधिक लोग निवास कर रहे हैं और वो सभी एक बत्ती कनेक्शन लेकर काफी प्रभावित हो रहे हैं। लाइट यहाँ पे होती है तो पानी कितनी देर तक चलता है यहाँ पे मोटर में? यहाँ आधा कलाक चलता है, पपीता को पीला इतना हो जाता है। हो जाता है, पर लाइट नहीं होने के कारण पपीता सूख गई। सूख गई है। गेहूँ में अभी पानी का ऐसे घुमा रहे? इंजन से सर। तो बिजली नहीं होने पर इंजन का उपयोग आप कर रहे, पर उसमें डीजल का खर्चा? डीजल का खुद पड़ रहा सर, खुद लाना पड़ता रहा। तो इसमें कितना डीजल चला जाता है इसमें एक पानी घुमाने में? चला जाता साहब 10-12 लीटर। और एक महीने से लाइट काट रखी तो एक फसल दो और काट लिया, वो भी आपको खिंचवाना पड़ेगा, वो भी पूरा सूख गया। और ये पीछे से दो बोया था वो भी। यहाँ ग्राम मोरीपाड़ा में बिजली की समस्या अधिक है और बिजली के कारण यहाँ पे फसल भी सूख गई है। पपीता की बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी आ रही है, जो कि विद्युत मंडल की तरफ से लापरवाही बरसाई जा रही है। और गेहूं चने की फसल लगाने पर भी बिजली काट दी गई और हर 8-15 दिन में बिजली काट दी गई, तो उसमें काफ़ी लोग को परेशानी उठानी पड़ी और उसमें फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे कब से परेशानी आ रही है बिजली की? बिजली के तो ये बिजली लगी जब से ये वो काट काट करते हैं, मतलब साल भर में 10 बार काट देते हैं, वापस जुड़वाते हैं वापस। एक बत्ती कनेक्शन की? एक बत्ती कनेक्शन तो पूरा बंद है अभी ये। और कब से बंद है एक बत्ती कनेक्शन? इसके 2 साल हो गए। ग्राम के कई किसानों के साथ जो हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, इससे इसके लिए मैं मेघनगर बिजली ऑफिस में गया और विद्युत मंडल अधिकारी से बात की। और मैंने जब उससे पूछा कि किस कारण से बिजली बंद है, तो उसने मुझे बताया कि जो प्लान पे चले जाते हैं और साल भर तक नहीं आते, उनके परिवार में छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं और या किसी बुजुर्ग लोग को छोड़ जाते हैं जो बिल नहीं भर पाते हैं, उनकी वजह से बिजली काट दी गई थी। लाइट की व्यवस्था तो वैसे हो गई है एक बत्ती कनेक्शन की और बाकी 3 बत्ती कनेक्शन भी जल्द ही चालू कर दी गई है, ऐसा विद्युत मंडल अधिकारी ने कहा है। मैं कुरबान डामोर झाबुआ जिले से इंडिया अनहट के लिए।